गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के शहर में एक और कीर्तिमान स्थापित होगा। आपको बता दें कि सोचिए अगर जमीन पर ट्रैफिक हो और आपको आसमान से अपने गंतव्य तक जाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अब गाजियाबाद वासियों का यह सपना हकीकत में बदलने वाला है और आप जल्द ही उड़न खटोले में बैठ कर के यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि देश में पहली बार गाजियाबाद में यातायात के लिए उड़न खटोले का इस्तेमाल होगा, यानी कि गाजियाबाद में ट्रैफिक रोप वे मोड़ पर भी काम करेगा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अब आपको उड़न खटोले में बैठा करके यात्रा कराएगा और यह सब कुछ 20 से 25 मीटर की ऊंचाई पर हवा में होगा। दरअसल अब वैशाली मेट्रो स्टेशन से मोहन नगर तक रोप वे चलेगा, जिसके बाद 30 मिनट का समय 8 से 12 मिनट में तय किया जाएगा। आप यह सफ़र हवा में करेंगे और शहर का नज़ारा भी ऊपर से देखेंगे। बिना जाम में फंसे वैशाली से मोहन नगर मिनटों में पहुंच जाएंगे। सर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अर्बन रोपवे की शुरुआत शहर में करेगा, इसके पीछे मकसद क्या पहले जाना चाहेंगे? इसके पीछे मकसद ये है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि गाजियाबाद में मेट्रो सेवा शुरू की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कनेक्टिविटी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी 100% है। जैसे कि वैशाली मेट्रो स्टेशन के बाद और फिर ये जो हमारी दूसरी वाली लाइन है मेट्रो की, इसमें आप देखिए कि जो नया बस अड्डा वाला रेलवे स्टेशन वाली जो लाइन है मेट्रो की, इसमें ये मोहन नगर वाले जो मेट्रो स्टेशन है उससे अगर कनेक्ट हो जाए तो कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। तो ये कनेक्टिविटी हम लोग चाहते हैं कि इंश्योर हो जाए, जिससे कि यहाँ के नागरिकों को, यात्रियों को सुविधा रहे। तो इस रोपवे का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जो लोग वैशाली मेट्रो स्टेशन पर उतरते हैं और उनको दूसरी वाली मेट्रो लाइन पे अगर चलना है तो अगर इनको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ये वैशाली मेट्रो स्टेशन पे मान लीजिए उतरे और उसके बाद इनको मोहन नगर मेट्रो स्टेशन तक के लिए अगर कनेक्टिविटी मिल जाए तो ये दूसरी मेट्रो लाइन पर भी सफ़र कर पाएंगे इन कंटिन्यूएशन, बीच में इनको ऑटो वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी सरकार पॉल्यूशन वगैरह के दृष्टिकोण से जो पेट्रोल डीजल चलित वाहन हैं इनका चाहती है कि कम से कम उपयोग हो। ये जो रोपवे वाला ट्रांसपोर्ट है ये मेट्रो की तुलना में सस्ता भी है, मतलब जो संस्था इनको एस्टेब्लिश करती है, मैं उनके नज़रिए से बता रहा हूँ कि अगर कोई भी सरकारी विभाग मेट्रो स्थापित करता है या ये रोपवे स्थापित करता है तो रोपवे में खर्चा भी कम आता है, दूसरे इसमें ज़मीन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल जो इसके सपोर्टिंग पिलर्स होते हैं वही ज़मीन पर रेस्ट करते हैं, बाकी पूरा ये हवा में रहती है, सेफ्ट भी है। ये इस तरीके की स्टडीज़ हुई हैं कि ये और जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा सेफ है, और कह सकते हैं कि गाजियाबाद के लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी, थोड़ा सा इसमें एक एडवेंचर और थ्रिल भी रहेगा लोगों को। ऑटो वगैरह में तो लोग रोज ही चलते हैं। सर, कितनी हाइट पर जो ट्रोली होगी वो लगेगी इसकी? जी, इसका एक्चुअली ये होता है कि हमें उस रूट पर ये देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, कहीं मान लीजिए फ्लाईओवर आ रहा है, कहीं रेलवे का पुल आ गया है ना, या कहीं और मेट्रो की ही लाइन आ गई, तो उसके हिसाब से हाइट डिसाइड होती है, लेकिन मिनिमम 10 मीटर हम लोग रखते हैं और इस केस में मैक्सिमम 35 मीटर तक जाने की आशा है। रोपवे बनने वाला मोहन नगर से वैशाली तक, और जिस तरीके से इस NCR में यातायात की बड़ी समस्याएं रहती हैं, उस कमी को देखते हुए योगी और मोदी सरकार को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रोपवे जैसा प्रोजेक्ट साहिबाबाद शहर में ले आए हैं। वैशाली से जो चलकर मोहन नगर तक आएगा यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी, और अगर ये गाजियाबाद के कुछ पर्यटन स्थल हैं वहाँ तक पहुँचा दिए जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। इससे एक तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति तो होगी, आने जाने की इतनी बढ़िया सुविधा हो जाएगी, एडवेंचर के साथ साथ लोगों को जो है प्रदूषण से भी निजात मिलेगी, और एडवेंचर तो होगा ही होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूमने का प्रयास करेंगे उसमें, इसको ज़्यादा दूरी देने की ज़रूरत है और पूरे NCR में फैलाने की ज़रूरत है। गाजियाबाद से अविनाश कश्यप की रिपोर्ट।